तो मैं अभी आया था बैक जोन में रशीद भाई से मिलने और ये प्रोडक्ट्स का। तो भाई और बहनों, अब वक्त हो रहा है सुबह के 5:30 और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं बाहर निकल रहे हो ना तो इसी वक्त में निकलना, क्योंकि मुंबई में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि अगर आप दोपहर को निकलोगे तो आपका तंदूरी बनना तो फिक्स्ड है। वैसे आज मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ ये मैं आपको अभी बताता हूँ। सो हेलो नमस्ते आदाबानी सू, स्वागत है अपने चैनल नुस्सा टाइम पास में। तो आज मैं जा रहा हूँ सीएसटी अपने को बैक जोन में जाना है, वहाँ पे जाके अपने को लेना है गोप्रो के कुछ एक्सेसरीज। बट मैंने क्या सोचा, अगर सीएसटी में जा रहा हूँ तो थोड़ा गेटवे ऑफ इंडिया भी घूम आते हैं, तो अब भी हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया को, फिर जाएंगे बैक जोन, वहाँ पे जाके मैं कुछ लूँगा एक्सेसरीज। तो क्या एक्सेसरीज लेने वाला है वो तो आपको वीडियो में पता ही चल जाएगा, बट अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज अपने को बस या ऑटो भी पकड़नी है और फिर उसके बाद पहुँचना है थाने पे। अगर 7 बजे के बाद हम थाने में पहुँचते हैं तो टिकट नहीं मिलेंगे, तो उसके पहले हमको रीच होना है। तो चलो फटाफट अभी निकलते हैं यहाँ से। तो राइट नाउ हम लोग थाने स्टेशन पे है और ट्राई करेंगे कि अभी स्लो लोकल पकड़ के ही निकलेंगे, वो ट्रेन सामने है तो फटाफट चलते हैं अभी। तो फाइनली हम लोग अब सीएसटी आ गए हैं, तो यहाँ से हम लोग अभी बाहर जाएंगे। बाहर हम लोग को बस है, बीएसटी बस मिल जाएंगे, हार्डली कुछ 5 रुपीज़ टिकट रहता है गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, तो वही पकड़ के हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे। और मेरे साथ आज है तन्मय, तो तन्मय और मैं यहाँ पे फोटोग्राफी भी करने वाले हैं सुबह आए इसी रीज़न के लिए। तो आज आपने नोटिस किया रहेगा कि मैं पूरा टाइम मास्क पहन के हूँ, जो नॉर्मली मैं नहीं रहता। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहाँ पे फाइन पड़ती है, और लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मुझे अभी ये देख के याद आ गया कि लास्ट टाइम मैं और चिकू आया था यहाँ पे, तो यहाँ पे चिकू ने मास्क पहना था एक्चुअली, बट क्या वो थोड़ा सा नीचे आ गया था और उसके लिए फ़ाइन पड़ी थी। तो इस बार सोचा कि नहीं, फुल टाइम मास्क पहन दे, बिकॉज रिस्क नहीं लेना चाहिए और थोड़ा रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो अभी फटाफट जाते हैं गेटवे, अभी गेटवे के लिए बस कहाँ से गेटवे है का? ओके, नॉन एसी बग ना, नॉन एसी पण असतात, ये एसी आहे तेवढेच असतं ऑलमोस्ट, एसी नाही 6 रुपये। तो गाइस अभी हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया आ गए हैं, और सच में बोलूँ ना एक गर्दी नहीं है इधर, मतलब हार्डली 5-6 जन है और बहुत सही लग रहा है। मतलब बहुत बार आया हूँ बट इतना खाली गेटवे ऑफ इंडिया मैंने पहले बार देखा है। तो आप देख सकते हो कि ये फुल खाली है। अभी तन्मयी यहाँ पे है, वहाँ पे है 4-5 जन, और इतना खाली गेटवे ऑफ मिलना मतलब जन्नत है। अभी अभी टाइम रैप की आज ना बरसात होने वाली है, सो ये वाला टाइम रैप आप ज़रूर देखना, सो एंजॉय करो टाइम रैप।
तो कैसे लगा आपको टाइम ड्राइव? मस्त था ना एकदम, मतलब जो स्टेबिलिटी देता है ना गोप्रो बहुत सही है, उसके कारण ना देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज मैं गिम्बल यूज़ नहीं करता तो शेक्स है ना बहुत ज़्यादा होते हैं, बट फिर भी ये गोप्रो का जो स्टेबिलिटी है ना वो बहुत सही है। मैंने उस दिन रील्स भी बनाई थी, उसमें भी इतना भागा मैं, फिर भी जो स्टेबिलिटी दे रहा था ना वो बहुत सही था। और उसके वजह से मेरे को रिप्लाई भी आया कि तू इतना भाग रहा है फिर भी इतना अच्छा स्टेबिलाइजेशन है गोप्रो का। मैं बोला हाँ गोप्रो 9 बहुत भारी है। तो चलो अभी थोड़ा फ़ोटोशूट करते हैं। तो फ़ोटोशूट जब हम करते हैं तो आपको पता है आप क्या करते हो, टाइम बराबर पे एंजॉय करते हो, तो फिर एंजॉय कीजिए। तो आज सुबह से आप टाइम रैप ही देख रहे हो, तो चलो फिर थोड़ा सिनेमैटिक भी एंजॉय करो। तो अभी एंजॉय करो थोड़ा सिनेमैटिक। तो हम लोग यहाँ पे 7 o'clock को आए थे और अभी बज रहे हैं 9 o'clock। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी रिटर्न जाते हैं, तो जाते जाते कुछ खा लेंगे पहले, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी और सुबह से कुछ खाया नहीं है। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है एक ब्लॉग या एक फ़ोटोग्राफी शूट के टाइम भी। तो अभी फटाफट जाके पहले खाएँगे और फिर बाद में जाएँगे बोरा बाजार। तो मैं अभी आया था बैक जोन में रशीद भाई से मिलने और ये प्रोडक्ट्स खरीदने जो मुझे लास्ट टाइम नहीं मिले थे वो इस टाइम मिल गए हैं और बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला है। तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए रहेंगे ना तो आप यहाँ पे आ सकते हो, रशीद भाई है तो बहुत अच्छा डिस्काउंट देते हैं। हाँ
हमने ट्रेन पकड़ी उसके बाद है ना मैं और तन्मय दोनों भी सो गए, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाया। सो अभी ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया, तो वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करना, शेयर करना।